समाजवादी पार्टी के किसान आंदोलन को लेकर मौन धारण करने के बाद आक्रोशित हुए सपा कार्यकर्ता सड़क पर जाने की कोशिश पुलिस ने रोका। जबरदस्त हुई धक्का मुक्की की लाइव वीडियो है। किसान आंदोलन को लेकर आज भारत बंद का किसान यूनियन ने आह्वान किया था, लेकिन समाजवादी पार्टी के MLC दिलीप यादव अन्य नेताओं ने आज गांधी पार्क में किसान आंदोलन और भारत बंद को लेकर मौन धारण धरना आयोजित किया था, जिसमें काफी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। धरना खत्म होने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एकदम आक्रोशित हो गए और सड़क पर जाने लगे और जबरदस्त नारेबाजी करने लगे उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ। पुलिस ने धक्का दे देकर सभी कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास भी किया, जिससे दोनों के बीच काफी देर धक्का मुक्की हुई। आपके द्वारा मौन धारण किया गया, यहाँ धरना दिया गया, क्या किसलिए किया गया? किसानों के पक्ष में जो काला कानून लाया गया है, हम पूरे देश के किसानों के साथ हैं। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर हम लोग सभी वो काम कर रहे हैं जो किसानों के पक्ष में हो, और सरकार जो लागू कर रही है किसानों को उत्पीड़न करना चाहती है और पूरी जो किसान की उपज है वो उद्योगपतियों को देना चाहती है, उसका मूल्य भी नहीं मिल पाता। इसके लिए हम लोग पूरी तरह साथ में है किसानों के, और अन्य किसी कीमत पर नहीं होने देंगे हम लोग, और किसानों की उपज का मूल्य भी दिलवाएंगे। आज उसी कड़ी में हमने यहाँ जो 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान था, उसमें हमने यहाँ मौन धारण करके धरना दिया। ये संकेत देने की कोशिश की है और किया है कि हम सब लोग किसानों के साथ हैं। अन्य किसी जिस तरह धरने के बाद आप लोग एकदम एकत्रित तो सड़कों पर जाने की कोशिश की लगे, तो पुलिस ने आपको एकदम रोकने की कोशिश। सड़कों में जो आक्रोश है, धरना दे दिया, पूरा खत्म हो गया, ज्ञापन दे दिया, उसके बाद निकल रहे थे, सड़कों नहीं लगाए, उसमें कोई ऐसी मंशा नहीं थी। वो हम लोगों ने एक मौन धारण करके ही धरना।